या लक्ष्मण, आप मित्र रूप में अपने भैया के शत्रु जान पड़ते इसीलिए आप ये जानते हुए भी कि आपके भैया संकट में हैं, आप उनकी सहायता के लिए जाने को तैयार नहीं है। सीता कहाँ है? मैंने तो तुम्हें उसकी रक्षा करने के लिए कहा था, तो तुम उसे अकेला क्यों छोड़ा है लक्ष्मण? कौन हो तुम? तुम्हारा दास भाई लंकेश्वर। लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण सीता यहाँ कहीं भी नहीं है, कोई चिन्ह कोई निशान भी नहीं है। कहाँ जा सकती है भाभी? लक्ष्मण मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी। कहाँ? सीते कमल लेने गोदावरी गई होगी। तुम तो जानते हो ना उसे कमल कितने प्रिय है। भैया सीते स्वामी हमारी रक्षा कीजिए, भैया लक्ष्मण हमारी रक्षा कीजिए। कोई नहीं सुन सकता तुम्हें, बंद करो विलाप करना। कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं। देवी का इतना तिरस्कार, मृत्यु से पूर्व मूर्ख रावण अपने पापों की राशि को बढ़ा रहा है। बस अब कार्य सिद्ध हुआ समझिए, रावण का विनाश अब निकट है। सीते, सीते, भाभी, भाभी, सीते, सीते, भाभी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता यहां कहीं नहीं है, अब हम क्या करें? भैया हो सकता है कि वो कुटिया में वापस आ गई हो। हाँ हाँ लक्ष्मण, संभव है, बिल्कुल संभव है। मेरी आवाज में उस मायावी हिरण की आवाज, हे लक्ष्मण हे सीते सुनकर और हमें कहीं नहीं पाकर सीता अवश्य ही कुटिया वापस चली गई होगी। हाँ हाँ लक्ष्मण, सीते सीते, भाभी, लक्ष्मण। हाँ भैया, मेरी समझ में नहीं आता जब मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि सीता की रक्षा करना, उसे एक क्षण के लिए भी अकेला मत छोड़ना, तो तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? भैया भाभी ने एक बार नहीं बार बार मुझसे कहा कि मैं आपकी सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहा हूं। भैया उनकी हट के आगे मैं। लक्ष्मण तुमने एक भयग्रस्त स्त्री की बात मान ली और अपने बड़े भाई का आदेश भूल गए कि सीता को अकेला मत छोड़ना। परंतु भैया भाभी ने ऐसी। लक्ष्मण मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, भली भांति जानते हुए कि इस मन में भी मायावी राक्षस है, तुम सीता को अकेला छोड़कर मेरे पास कैसे चले आए लक्ष्मण? ये सोचकर कि मैं अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। यही तो मैं भाभी को समझा रहा था कि आपको कुछ नहीं होगा,
तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर जना ही नहीं जो अब... लक्ष्मण, मेरी सीता का कोई अपहरण करके उसे उठा ले गया। नीच रावण, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि माया द्वारा मृग रूप धारण करके तूने हमारे स्वामी को आश्रम से हटा दिया ताकि तू हमारा हरण कर सके। हमारे ताज जटायु जो हमारी रक्षा करने के लिए आए थे तूने उनको भी मार गिराया। एक बूढ़े पक्षी की हत्या करके कैसी शक्ति का प्रदर्शन किया है तूने। तू अपने आप को बड़ा शूरवीर समझता है। संसार के सारे वीर तेरे इस कर्म को घृणित ही मानेंगे। तू जिस अभिप्राय से हमारा हरण करके हमें ले जा रहा है तेरा वो अभिप्राय कदापि पूरा नहीं होगा। अभी भी समय है रावण, हमें छोड़ दे, अन्यथा हमारे पति और हमारे देवर आकर तेरा सर्वनाश कर देंगे। जिस क्षण वो दोनों हमारे सामने आएंगे एक ही बाण में हम उन दोनों के सर धड़ से अलग करके तुम्हें भेंट कर देंगे। हम रावण हैं, लंकेश हैं हम, और लंकेश अमर है, हमें कोई नहीं मार सकता। सीता, भाभी, सीता। सीते, 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 भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरी सीता का कुछ पता नहीं चला। लक्ष्मण, कोई तो होगा जिसने उस राक्षस को देखा होगा जो मेरी सीता को लेकर गया है। कोई तो होगा लक्ष्मण जो हमें सीता के बारे में कुछ बता सकेगा। हाँ भैया, भैया, हे कदम, हे कदम वृक्ष, मेरी सीते को तुम्हारे पुष्प बहुत भाते थे। वो तुम्हारे पास आती थी, क्या आज तुमने उसे कहीं देखा है? मुझे बताओ कदम, मेरी सीता किस ओर गई है? सीते, हे आम के वृक्ष, क्या तूने मेरी सीता को देखा है? यदि देखा है तो बताओ मुझे मेरी सीता कहां है? क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? सीता, ब्रह्मदेव, प्रभु श्री राम को इस तरह विलाप करते देख मन दुविधा में पड़ गया। कैसी दुविधा? भगवान विष्णु का मानव अवतार लेने के पश्चात
क्या प्रभु श्री राम अपने सत्य रूप को भूल गए? क्या वे अब प्रभु के शत्रु विनाश का कार्य पूरा कर पाएंगे? मुझे तो लगता है कि मानव की भूमिका निभाते निभाते वे स्वयं मानव बन गए। ये सत्य कह रहे हैं पितामह। सीता के लिए श्रीराम को इतना व्यथित देखकर मैं स्वयं अत्यंत व्यथित हुआ हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीराम को यह विस्मरण हुआ है कि वस्तुतः वे ही श्रीहरि विष्णु हैं। लीला लीला होती है सूर्यदेव, परंतु देखने वालों को लीला नहीं सत्य लगना चाहिए। इस समय उन्हें यह पता नहीं कि सीता हरण के पीछे क्या भेद है, परंतु हम देवता ये जानते हैं कि भगवान विष्णु की ये रामलीला कि महाबली रावण लंकेश के कुकर्मों को समाप्त करने के लिए है। राम इस समय सीता के पति हैं, भगवान विष्णु नहीं। यदि राम को देखकर आपकी आंखें भर आए तो मेरे विचार में राम के रूप में रोने वाले भगवान विष्णु को हमें उनकी लीला के लिए प्रणाम करना चाहिए। आपकी जय हो भगवान विष्णु। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हमने कमलों से भरे सरोवर, झरनों से सुशोभित इस क्षेत्र को चारों ओर से छान मारा है, परंतु सीता कहीं दिखाई नहीं थी। लक्ष्मण, अब यह स्पष्ट हो गया है कि उसे उसे राक्षसों ने हर लिया है, अन्यथा मेरे इतने विलाप करने पर वो अवश्य ही मेरे पास होती। भैया आप चिंता ना करें, हम सारा संसार ढूंढेंगे। इस पृथ्वी पर जितने भी वन हैं, उन सभी वनों में जाकर ढूंढेंगे। इस धरती पर जितने भी विशाल ऊंचे पर्वत हैं, उन सभी पर जाएंगे। भैया जब तक हमें भाभी मिल नहीं जाती, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। लक्ष्मण, तुम मुझे यहां छोड़कर अभी अयोध्या लौट जाओ और भरत को मेरा संदेश देना कि अब वो जीवन भर अयोध्या पर राज करे, क्योंकि मैं वनवास काटकर वापस अयोध्या नहीं आ रहा हूं, क्योंकि सीता के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आस मत छोड़िए भैया। आस कैसे बंधेगी लक्ष्मण, जब हर पल मुझे
हर पल मुझे वही ध्यान आता है कि राक्षसों ने कैसे मेरी सीता के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, कैसे उसके साथ बलपूर्वक उसका हरण किया होगा। मेरी सीता ने कैसे विलाप किया होगा। मेरे लिए, मेरी सहायता के लिए कितनी असहाय रही होगी वो। लक्ष्मण, आस बांधूं भी तो कैसे, मेरी तो सारी आशाएं निराशाओं में जलकर भस्म हो गई है। देखो निशाचर रावण, सीता के रूप में अपने मृत्यु को हर कर ले जाते हुए कितना प्रसन्न है। वो ये नहीं जानता कि उसने सीता के रूप में तीखे दाढ़ वाली विषैली नागिन को अपनी गोद में उठाया है। हम शीघ्र ही लंका में उतरेंगे। हे समुद्र देवता, इस दुष्ट और घमंडी रावण का संहार करने के लिए शीघ्र ही हमारे पति श्री राम को यहां भेजिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा वो वनवासी राम इस विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुंच सकता है तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि किसी मानव में ऐसी शक्ति नहीं कि इस विशाल सागर को पार करके हमारी लंका में आ सके। लक्ष्मण, तुमने सुना, सीता ने मुझे पुकारा। लगता है वो यहीं कहीं आसपास ही है। हाँ लक्ष्मण, भैया बाबे यहां कहीं भी नहीं है। संसार के सभी अच्छे और बुरे कर्मों के साक्षी हैं। सीता के साथ क्या हुआ, उसका अपहरण किसने किया, कृपा करके मुझे बताइए। सूर्य देव, हे वायुदेव, सारे संसार में ऐसी कोई बात नहीं जिसका आपको ज्ञान ना हो। कृपा करके मुझे इतना बता दें कि मेरी कुल पालिका सीता का उसका हरण हुआ है या उसका वध हुआ है। या बस बस कीजिए, ऐसा मत कहिए। सीता भाभी जीवित है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तुमने मेरी सीता को देखा है, तुम जानते हो मेरी सीता कहां है। भैया ये मृग, भैया हमें इनका पीछा करना चाहिए। ये अवश्य सीता भाभी के बारे में कुछ जानते होंगे। भैया हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। देखो लक्ष्मण, ये वही पुष्प है जो मैंने सीता को दिए थे। इसका यही अर्थ है कि हम उचित मार्ग पर हैं। सूर्य देव ने इन्हें सुरक्षित रखा है, ये अभी तक
अभी तक मुरझाए नहीं। वायुदेव भी इन्हें उड़ाकर दूर नहीं लेकर गए। ये सब के सब वैसे ही हैं जैसे पहले थे। इसका अर्थ है सूर्य देव और वायुदेव गुप्त रूप से हमारी सहायता करते आए हैं। देखो मेरी सोने की लंका को। अच्छा होगा कि तुम अपने आप विमान से उतर जाओ, अन्यथा हमें तुम्हें उतारना पड़ेगा। सावधान रावण, हमें छूने की चेष्टा भी मत करना। हमारे पति तेरा सर्वनाश कर देंगे। भूल जाओ कि कभी तुम्हारा वनवासी राम तुम्हें बचाने के लिए हमारी सोने की लंका में आ सकेगा। भूल जाओ उसे और चलो हमारे साथ। और देखो लंका अपनी नई रानी का स्वागत करने के लिए कितनी उत्सुक है। तुझे दृष्टि भ्रम हुआ है रावण। तेरी नगरी हमारा स्वागत करने के लिए उत्साहित नहीं है। तेरी मृत्यु होने जा रही है ये जानकर विचलित है। आज तक जिसने भी हमारी मृत्यु की कामना की है सीते, वो हमारे हाथों मृत्यु के अधीन हुआ है सीते। उनमें से किसी ने सकट और विकट जैसे महादैत्यों का वध नहीं किया। किसी ने भी ताड़िका और सुबाहु जैसे मायावी राक्षसों को मृत्यु नहीं दी होगी। उनमें से किसी ने भी भगवान शिव का प्रचंड शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ाई होगी। और उनमें से किसी ने भी खर और दूषण जैसे मायावी राक्षसों का उनके सेना सहित विनाश नहीं किया होगा। अब तेरी बारी है रावण। तुझे अपनी इस लंका के वैभव पर अत्यधिक अभिमान है ना? तो जितना हो सके अपने इस ऐश्वर्य का उपभोग कर ले, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है हमारे पति लंका अवश्य आएंगे और तेरा सर्वनाश कर देंगे। तू उनके सामने तुच्छ है रावण। छोड़ दे हमें दोस्त, छोड़ दे। तुम हमारी शक्तियों को नहीं जानती, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। देखो देखो इन स्तंभों को, क्या तुम्हारे उस वनवासी पति ने देखा है ये सब? मूर्ख, सोने के ये स्तंभ कभी भी गिर सकते हैं, परंतु हमारे पति सत्य, न्याय, नीति और धर्म इन अमर स्तंभों पर बने हुए कीर्ति मंदिरों में रहते हैं। हमारे पति ने अग्नि के सामने प्रत्येक जन्म में हमारा साथ निभाने का वचन दिया है और रघुवीर अपने वचन का पालन करते हैं। हमारी रक्षा का उत्तरदायित्व उन पर है और वो अपना ये उत्तरदायित्व तुम जैसे दुराचारियों का विनाश करके अवश्य पूरा करें। रिजिटा! आज्ञा लंकेश। मिथिला कुमारी के मस्तिष्क और हृदय में अभी हमारे लिए स्थान नहीं है, ना ही इन्हें हमारी प्रभुता और हमारी प्रतिष्ठित लंका के महत्व का ज्ञान है। ये अभी हमारे राजभवन में रहने योग्य नहीं है। इन्हें अशोक वाटिका ले जाओ और वहीं पर इन्हें रखो और हर समय इनकी रक्षा करना। चिंता ना करें दशानंद, आज का सूर्यास्त होने से पूर्व ही इसे लंका और लंकेश दोनों का महत्व समझ में आ जाएगा। Thank you.
महान पर्वत, क्या तुमने मेरी सीता को यहां से जाते हुए देखा है? पर्वतराज, तुम मेरी बाणों की अग्नि से जलकर भस्म हो जाओगे, तुम्हारे तृण वृक्ष और फूल नष्ट हो जाएंगे, किसी भी ओर से तुम सेवन के योग्य नहीं रहोगे। इससे पूर्व मैं तुम्हें नष्ट करूं, मुझे मेरी सीता के बारे में बता दो कि वो यहां से कहां गई है, बताओ मुझे। माता अनुसुईया ने हमें ये अमूल्य आभूषण दिए। लक्ष्मण, देखो सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने की पायल। लक्ष्मण, जब सीता राक्षसों का ग्रास बन गई और हर ली गई और उसका कोई सहायक नहीं हुआ, तो इस जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो मेरी सहायता मेरे प्रिय करने में समर्थ हो, जो समस्त लोकों की सृष्टि का पालन और संहार करने वाले महेश्वर हैं, वो भी करुणामय चुपचाप बैठे रहते हैं तो लोग उनका भी तिरस्कार करने लगते हैं। इसीलिए इंद्र आदि देवताओं ने मेरी सीता की सहायता नहीं की। निश्चय ही वो मेरे गुणों को मेरे अवगुण समझकर मुझे निर्बल समझ रहे हैं। लक्ष्मण, अब मुझे अपना बलशाली रूप प्रकट करना ही होगा। अपनी दयालुता जो मेरा दोष है उसे छोड़ना ही होगा। अब तुम देखना लक्ष्मण, जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की चांदनी का संहार करके एक प्रचंड तेज से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों और राक्षसों के अंत के लिए अपने करुणामय आदि स्वभाव के गुणों को समेट कर एक प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। अब ना तो यक्ष, ना गंधर्व, ना पिशाच, ना किन्नर, ना राक्षस और ना ही मनुष्य चैन से रह पाएंगे, और इन तीनों लोकों में विचरने वाले प्राणी नष्ट हो जाएंगे, ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि और सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से ढक जाएगा, पर्वतों के शिखर मत डाले जाएंगे, नदी और सरोवर सूख जाएंगे, वृक्ष और लताएं नष्ट हो जाएंगी, और समुद्र का नाश हो जाएगा। इस प्रकार मैं तीनों लोकों में ही काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा।
यदि देवेश्वर गण इसी मुहूर्त में मेरी सीता को सकुशल नहीं लौटाएंगे तो उन्हें मेरा पराक्रम देखना होगा, पराक्रम देखना होगा। लक्ष्मण नहीं भैया, नहीं। हे परमपिता, प्रभु श्री राम को रोकिए, कहीं वे क्रोध के आवेश में आकर कुछ ऐसा न कर बैठे जिससे मानव अवतार का उद्देश्य असफल रह जाए। हे इंद्रदेव, इस समय वो मानवीय विकारों के अधीन है, कदाचित इसलिए वो अपना विवेक खो बैठे हैं। प्रभु का विवेक सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जागृत करेंगे। इंद्रदेव, तो उनके विवेक को तत्काल जागृत करना अति आवश्यक है ब्रह्मदेव। भैया, जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत को पाया था, उसी समान हमारे स्वर्गीय पिताश्री महाराज दशरथ ने घोर तपस्या करके और महान कर्म का अनुसरण करके आपको पाया है। महाराज दशरथ आप ही के गुणों से बंधे हुए हैं और आप ही के वियोग से देवलोक को प्राप्त हुए। भैया, एक साधारण पुरुष जिसकी शक्ति कुछ कम होती है, उसके लिए ये दुख सहन करना कदाचित कठिन हो सकता है, परंतु आप तो इसे धैर्यपूर्वक सहन कर सकते हैं भैया। और आप तो भली भांति जानते हैं कि इस लोक में कौन से प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती, और आपत्ति तो अग्नि की भांति होती है, एक क्षण स्पर्श करती है और दूसरे ही क्षण दूर हो जाती है। भैया, यदि आप दुखी होकर समस्त संसार का संहार कर देंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति की प्राप्ति करेगी भैया? भैया, इस लोक का स्वभाव ही ऐसा है, हम सब पर दुख और सुख आता जाता रहता है। जो धर्म के प्रवर्तक हैं, संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर यह सारी सृष्टि टिकी हुई है, उमाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होती है भैया। जब इंद्र और आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती है, तो भैया आपको क्या शोक करना और क्यों? भैया, आप अपना शोक छोड़कर अपने शत्रुओं का विनाश करने का प्रयत्न कीजिए। समस्त संसार को ध्वस्त करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा भैया, कुछ नहीं मिलेगा। जिस किसी ने भी सीता भाभी का अपहरण किया है उसका पता लगाइए भैया, उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न कीजिए। आप कुछ खाएंगे स्वामी? मैंने सोचा थक गए होंगे आप, भूख भी लगी होगी आपको, इसीलिए ये सब। तुम्हें अपनी नई बहन सीता से ईर्ष्या नहीं हुई? स्वामी, मुझे आपकी अन्य पत्नियों से कभी ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं आपकी सबसे प्रिय रानी हूँ, आपका सबसे प्रथम चुनाव मैं हूँ, और दूसरी जो भी कोई है वो मेरे बाद है। तो फिर तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों देख रहे हैं? नहीं लंकेश, उदासी नहीं, मेरी आंखों में भय है। आपको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सीता का पति राम उसे ढूंढते हुए यहां अवश्य आएगा। आने दो,
पहले तो वो हमारी इस लंका नगरी को ढूंढ ही नहीं पाएगा, और यदि ढूंढ भी लिया तो इस विशाल समुद्र को पार करके लंका तक पहुंचना उसके लिए असंभव होगा। यदि उसने इस असंभव को संभव कर भी लिया तो अपने इस काल दशानंद रावण के सामने खड़ा होने के लिए उसे एक नया जन्म लेना पड़ेगा। भैया सावधानी से। राम, हे राम। राम, हे राम। ताज जटायु, आपकी ये दशा किसने की? बताइए, बताइए मुझे। हे राम, शूर्पनखा के भाई रावण ने मेरी ये दशा की है। रावण? परंतु उसकी आपसे क्या शत्रुता थी? पुत्र राम, वो जनक नंदनी सीता का हरण करके वायु मार्ग से ले जा रहा था। सीता रोते हुए विलाप कर रही थी, वो रो रही थी, आपको पुकार रही थी रघुवीर। हाँ, 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 हाँ। वो कह रही थी, भैया लक्ष्मण मुझे बचाइए इस दुष्ट पापी से। मैंने जैसे ही देखा उसे बचाने का प्रयास किया, मेरे बचाने के प्रयास से दुष्ट रावण ने मेरी ये दशा कर दी। उसने तलवार के प्रहार से मुझे पंखहीन कर दिया। पुत्र राम, तुमसे मिलने के लिए मैंने अपने अंतिम सांस रोक के रखे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये रावण किस दिशा में गया है? पुत्र राम, लक्ष्मण, वो दक्षिण दिशा की ओर गया है। वो रावण कुबेर का भाई और ऋषि विश्वरवा का पुत्र है। हे राम। रावण, मैं तेरी मृत्यु बनकर आ रहा हूं। रावण, मृत्यु! हे सरस्वती नदी,
यदि तुम इसी समय यहाँ प्रकट नहीं हुई तो मेरा ये बाण स्वयं तुम्हें बंदी बनाकर यहाँ ले आएगा। मेरे प्रभु श्री राम मेरे द्वार अवश्य आएंगे। भैया